का ध्यान लगा के सुत पे आरा टेके बिया चले कुन्या चले कुन्या हाथी का पिके रानी का हिल गया हिया चले कुन्या हाथी का पिके रानी का हिल गया हिया। अरे नौ महीने तक रखिया गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे किसी तरह की कमी न छोड़िए शौक करे था मैंने जिन हाथों ते पालिया पोसिया उन हाथों से जीर रहे जिन हाथों ते पालिया पोसिया उन हाथों से जीर रहे मतना जाना बदियार ईसा मो कबिलता को जावीर ने बारंबार ईसा मो कबिलता को जावीर ने बारंबार वचनों खतरे सर देना नुवे तो मैं चंद चढ़े ऋषि दी थी हरी चंद के ना तुमने इतिहास पढ़े कर सत्कार जी माजो भोजने भूखे द्वारे संत खड़े ओ कर सत्कार जी माजो भोजने भूखे भूखे संत खड़े रही आत्मा तड़प स्वर गिर भूखा
एक हार छुपी धरती हो लाल लाल किसान के दिग्गज डोले अंदर भी गया था हाल किसान के दिग्गज डोले अंदर भी गया था हाल। सजने दोनों ने उठाया आरा बच्चनों का किया जब ख्याल खून की फुहार छूटी धरती होगी लाल लाल और दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया था हाल। आरा खींचना शुरू किया रानी ने धक्का मारा तो राजा ने खींच लिया राजा ने धक्का मारा तो आरा रानी ने खींच लिया। आरा सर को काटता हुआ गर्दन को काटता हुआ जब आरा दिल के पास दड़ में आया तो चलता चलता आरा रुक करके खड़ा हो गया। रानी ने धक्का मारा राजा ने खींचा आरा हिला तक भी नहीं। राजा ने धक्का मारा रानी ने खींचा आरा कती टसते मस नहीं हुए हिला भी नहीं। कहां तो आरा खींच रहे थे चल रहा था लेकिन धक्का इतना प्रयास करने पर आरा हिला तक भी नहीं। क्यों? कि आरा को चलवाने वाले और आरा को चलाने वाले तो सामने बैठे थे जिनकी मर्जी से वो आरा चल रहा था जिनकी मर्जी से सारा काम हो रहा था जो दिमाग को फेरने वाले भी बुद्धि देने वाले भी त्रिलोकीनाथ सामने बैठे हैं देख रहे हैं सारे सीन को। अर्जुन इतना सीन देखते ही उठ करके खड़ा हुआ अरे काले छलिया तो मुझे भगत दिखाने के लिए लाया या किसी के लाल को वंश नष्ट करवाने के लिए आया। कन्हैया कहने लगे ठहर बस देखता रहे तेरा काम देखने का बोलने का नहीं। साथियों राजा को ख्याल होया कि बाड़ी से तूने पैनी धार का आरा मांगा था लेकिन हो सकता है कि बाड़ी के ने नालायकी कर दी आरा पैनी धार का नहीं दिया आरे में जितनी धार थी उतना तो आरे ने काम कर दिया शायद अब धार खत्म हो चुकी है। क्या स्टीन बनता है क्या लिख दिया कवि महोदय की कलम ने क्या बताया बोला अरे बाड़ी का पुराना यारा हाड़ के में खटके था नाजुक था शरीर जिसका जी छोरे का भटके था निराला था सीन लोगो हाड़ के में खटके था निराला था सीन लोगो राजा के गाने लगे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे देवी देवता स्वर्ग को छोड़ करके भूमंडल पर मंडराने लगे और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। फूलों की बरसात दानवीर राजा मोरध्वज के महल के ऊपर हो रही है। अब तो एक आकाश से ध्वनि हुई पर वह आकाशवाणी क्या हुई कि जिस तरह देवकी को लेकर के वो वासुदेव चला था उस समय एक आकाशवाणी हुई थी कि जिस बेना का तूने बिहार रचाया है इसी के कोख से होने वाला आठवां पुत्र तेरा काल होगा। वो आकाश ध्वनि हुई थी उसी तरह से ध्वनि उस दिन हुई थी और वो ध्वनि आकाशवाणी क्या थी
अरे दानवीर तो बहुत हुए, बहुत हैं और आगे भी होंगे, लेकिन धन्य हो राजा दानवीर, धन्य हो। और यूं कह दिया, दानवीर बहुत देखे, दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा दान देखा, गाने आले बहुत देखे, ना हृदय में ज्ञान देखा, हरे राम बैस लेके गाय में तूफान देखा।